रेडियस ऑफ गायरेशन के एग्जाम्पल या ये कहाँ यूज होता है इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है। मैं डिस्क को रोटेट नहीं करवा रहा, स्लाइड करवा रहा हूँ, घसीटता हुआ लेके जा रहा हूँ, अभी घूमेगी तो है नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाता दिखेगा विद वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे दिखेगा आपको, सीधा जाता दिखेगा, और ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। ये ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है यहां तक पहला केस क्लियर है। ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास छोड़ो, जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे आपको आगे जाते दिखेंगे विद वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास। घूमना तो है ही नहीं, सीधे जाते जाएंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस है प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। अब मान लो यही डिस्क है और मैं इसको आगे जाना अलाउ नहीं करता। हाँ, ये घूम सकती है अपने एक्सिस पे, अगर ये इसका एक्सिस है तो ये घूम सकती है, और अगर ये घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट, वो नहीं चलेगा। लेकिन पार्टिकल किस में है, घूमेगा रोटेशन में, खड़ा खड़ा घूमेगा, ठीक हो गया। अगर मैं इन दोनों मोशंस को कंबाइन कर लूं, मैं चाहता हूं कि पार्टिकल घूमेगी, घूमे भी और साथ में आगे भी जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे एक टायर आगे भी जा रहा है और साथ में इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं इसके आसपास और आगे भी जा रहे हैं। तो इमेजिन करो जब एक डिस्क ऐसे रोल, इसको बोलते हैं क्यों, कौन सी मोशन है, रोलिंग। देखो रोलिंग की इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, टायर रोल होने वाला है अभी देखो। तो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो क्या करते हैं, दो मोशंस हैं इसमें, सेंटर ऑफ मास, जब ये टायर रोल कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास सीधा जा रहा होगा, और ये जो पार्टिकल इसके आसपास के पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के आसपास चक्कर काट रहे होंगे, ठीक हो गया यहां तक कोई डाउट। एक रिजल्ट करेंगे हम, अगली बार करेंगे इसका रिजल्ट, कि अगर कोई बॉडी रोल करती है ना, मान लो ओमेगा के साथ पार्टिकल घूम रहे, या ये टायर ओमेगा के साथ घूम रहे, तो अगर ये रोल करती है, रोल का मतलब घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला भी वही सर्कुलर मोशन वाला सेम आता है। हालांकि इसका सर्कुलर से लेना देना नहीं है, पर फॉर्मूला सेम आता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों आता है मैं आपको आंसर दूंगा, सर्कुलर से ही दूंगा वैसे तो, बट इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। तो याद रखना, जब एक टायर रोल कर रहा होता है सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में जा रहा होता है, बाकी सारे पार्टिकल आसपास घूम रहे होते हैं, पर सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर टायर तेज तेज घूमेगा ओमेगा बड़ा होगा, ओमेगा बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। उल्टा भी ट्रू है, अगर सेंटर ऑफ मास तेज चल रहा है तो टायर तेज तेज घूम रहे तो ओमेगा भी ज्यादा होगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। अब ये बताओ, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है, मास एम है, ट्रांसलेशन मोशन में पहली बात तो शेप देखी नहीं जाती, सेंटर ऑफ मास ही देखा जाता है, शेप जो मर्जी में क्या लेना, टोटल मास एम है, तो बोलो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी खत्म। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर दिया तो बस आंसर। अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूमती है तो रोटेशनल एनर्जी क्या आती है, घूमने की एनर्जी क्या आती है, मैंने आपको करवाई नहीं है पर आप समझ सकते हो, जो काम एम मास करता है वो काम मोमेंट ऑफ एनर्जी, और वी की जगह तुम करेंगे नेक्स्ट टाइम, कि अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घूमने की इसके इक्वल होती है। और सोचो अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो रोलिंग में टोटल रोल करते हुए एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर कोई बॉडी रोल करेगी तो ट्रांसलेशन की एनर्जी भी लेनी है और रोटेशन की भी लेनी है। अब आपको वर्क पर एनर्जी ठीक लग रहा होगा, वही ठीक था, कम से कम हाफ एम वी स्क्वायर तो था यार। अब वो क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसलेशन, तो वो तो करना ही पड़ेगा,
खड़ी खड़ी बॉडी घूम रही है तो वो करनी पड़ेगी, रोल कर रही है अब देखना पड़ेगा भाई बॉडी चल कैसे रही है, तो कोई बात नहीं तीन फॉर्मूला सही। अब ये जो बॉडी है ये कोई भी हो सकती है ना, जो टोटल एनर्जी इसके इक्वल है कोई भी, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर, कुछ भी हो सकती है। तो रोलिंग के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी ये मैंने लिखी इसके इक्वल होगी। अब आए का फॉर्मूला किसी भी बॉडी के लिए एम के स्क्वायर लगा दिया, चाहे वो स्फीयर है, रिंग है, कुछ भी, के चेंज होता रहेगा। और मैंने आपको क्या कराया था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर पुट कर रहा हूं वी सेंटर ऑफ मास बाय आर। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकाल लूं हाफ एम वी स्क्वायर तो मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर। अब जब न्यूमेरिकल चलेंगे ना वो कहेगा एक स्फीयर रोल कर रहा है तो रोल की एनर्जी निकाल लो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टू बाय फाइव पुट करूंगा आंसर। वो कहेगा डिस्क रोल कर रही है, डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ होता है आंसर। रिंग रोल कर रही है वन, है कि नहीं कमाल की चीज। तो अब तीन बॉडीज डिफरेंट हैं लेकिन शेप डिफरेंट है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिफरेंट है, सबकी रोलिंग की एनर्जी भी डिफरेंट है और एक सेकंड में आएगा विद द हेल्प ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम करनी है हमने, आज के लिए सफिशियंट है।